वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ। हे भाई, जिन्हां ने परमेश्वर दा नाम औखद दवाई रूप करके खाना पाप जपना कीता है, उन्होंने सुख आनंद स्वरूप नू प्राप्त कर लिया है। उन्होंने जम्मण मरण रूपी दुखां दा थाओ स्थान अग्ञान बिनसिया नाश हो गया है। ताप गया बचन गुर पूरे, आनंद भया सब मिटे वसूरे। रहाओ पूरन सतगुरु साहिब जी दे बचन उपदेश नू कमाउण करके आदि व्याधि उपाधि ये तिन्ने ताप निवृत्त हो गए, उन्हां नू आनंद स्वरूप प्राप्त हो गया है। सारे प्रकार दे वसूरे झोरे भी मिट गए हन। रहाओ विश्राम देख के सतगुरु कृपा करदे हन। जी अजंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन ध्याया। ओना जी जंत सूखम स्थूल जीवां नाल सारिया ने सारे जीवां रूप जंत वाजिया ने सुख पौना कीता है। सतगुरु साहब जी कथन करदे हन कि जिन्हां ने मन हिरदे विच पार ब्रह्म अकाल पुरख नूं ध्योणा कीता है। आसा महला पंजवा, बांछत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई। बेला थोड़ा जिहा भोला बोलना वेले दा वाचक है। बुझै ते बुझाई कस के बोलना, जिस मौत नूं जीव चाहुंदा नहीं है वह मरन दा वेला समा इस नूं जरूर आई कहिए आ के प्राप्त होवेगा। परमेश्वर दा हुक्म है, हुक्म मन्ने तो बगैर, गुरु साहब जी की आग्ञा मन्ने तो बिना काल रूप अग्नि किमें बुझाई हुई बुझेगी भाव निविरत नहीं हो सकती। सतगुरां की आग्ञा मन्ने तो बगैर किसी होर दे समझाया होया किमें बुझै समझ सकता है। ठंडी ताती मिट्टी खाई, इस देही नूं तां ठंडी शीतला ताती ताप आदि रोग लग जाते, जिस करके ये मिट्टी की बनी हुई देही खै भाव नाश हो जाती है। जिस वेले मौत हो जाती उदों इस शरीर नूं कई ठंडी किए ठंडे पानी विच प्रवाह कर देंदे हन, कई ताती किए तत्ती अग विच साड़ देंदे भाव संस्कार कर देंदे हन, मिट्टी विच दब देंदे इउं देह खाई खाधी जाती भाव नाश हो जाती है। ओ न बाला बूढ़ा भाई रहाओ, हे भाई भरावो देहां तां नाशवंत हन, परंतु वह ब्रह्म ना तां बाला बच्चा है ना ही बूढ़ा बिरध है, भाव ना बजुर्ग है, एक रस रहन वाला है, ना वह बालकों की न्याई अग्ञानी है ते ना ही बूढ़ा हंकारी है। वह एक रस प्रकाश रूप है। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु कृपा करदे हन। नानक दास साध सरण आई, गुर प्रसाद पौ पार पराई। सतगुरु साहिब जी कथन करदे हन कि जो दासा भाव धार के श्रेष्ठ जना दी शरण विच आया है, वह गुर सतगुरु साहिब जी दी प्रसाद कृपा द्वारा भैदायक संसार तो पार पराई किए पार पैंदा है। आसा महला पंजवा, सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास। हे गुरसिखो, जो हमेशा हमेशा सदीव काल अपना आप रूप ते सारियां दा प्रकाशक है, उस दे ज्ञान दा प्रकाश प्राप्त करो। जो आत्म आक ये ज्ञानता दे तम हनेरे तो आ रहत, सदा प्रकाश रूप ब्रह्म है, उस दे सरूप विच हमेशा चित दी बिरती नू लौणा करो। श्रेष्ठ जना दी संगत द्वारा परमेश्वर दे चरण कमलां विच निवास कहिए वासा हुंदा है। राम नाम नित जप मन मेरे, हे मेरे साढ़े मना परमेश्वर दे नाम नू नेता प्रति ही जपना कर, ता की होवेगा। शीतल सांत सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे। रहाओ हे मेरे मना, तू शीतल करन वाले शांति देन वाले हमेशा रहन वाले सुख आनंद स्वरूप परमेश्वर नू पा लवेगा।
अते तेरे कहिए सबे सारे किलविख पाप चले जाणगे नाश हो जाणगे। रहाउ कहो नानक जा के पूरन कर्म सतगुर भेटे पूरन पार ब्रह्म। सतगुरु साहिब जी कथन करते हैं कि जिन्हां दे पूरे निष्काम कर्म हन, जिन्हां दे कर्म पूरन ज्ञान फल देण वाले हन, जिन्हां उपर परमेशर दी पूरन कर्म बख्शिश है, तिन्हां नूं सब थावां ते पूरन पूरत पार ब्रह्म पापां पुन्नां तों पार परे ब्रह्म व्यापक परमेशर रूप गुरु साहिब जी मिलते हैं। दूजे घर के चौतीस, सो इत्थों तक पंजवें पातशाह जी दे दूसरे घर सुरताल दे विच चौंती शब्द आए हैं। सो दूजे घर दे चौतीस पद उपरले शब्द नाल ही पढ़ना है। आसा महला पंजवा, जाका हर स्वामी प्रभ बेली। हे भाई, जिसदा स्वामी मालिक हरि प्रभु परमेश्वर बेली मित्र है। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ, उन्हां दी जम्मण मरण दुनिया दी अनेकां प्रकार दी पीड़ा दर्द चली गई फिर मुड़ के उन्हां दी जिंद दुहेली कहिए दुखी नहीं हुंदी। रहाओ विश्राम दे के कृपा करदे हन, कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली। जिस जीव रूप इस्त्री जां जिन्हां दी बिरती नूं परमेशर ने दया दृष्टि करके अपने चरणों के नाल मेल लिया है, वो सहज सुभाविक ही सुख स्वरूप ब्रह्म दे आनंद ब्रह्मानंद नूं पा के लोक प्रलोक विच सुखी होईयां हन। साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक भई अमोली। जिन्हां ने सतसंगत विच बैठ के तोलण तों रहत विचारण तों रहत परमेशर दे गुण गायन कीते हन, जिन्हां ने साध संगत विच प्रभु दे गुणा ताई गौणा कीता है, उन्हां नूं अतोली कहिए अतुल आनंद प्राप्त होया है। जो शास्त्र प्रमाण रूप वटे ते बुद्धि रूप तराजू नाल तोलिया नहीं जा सकदा। सतगुरु साहिब जी कथन करते हैं कि जिन्हां ने परमेशर दा सिमरन कीता है उन्हां दी बिरती बुद्धि अमोलक हो गई है, उन्हां नूं सरूप रूप अमोलक वस्तु प्राप्त हुंदी है। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत्सर, ए खेलत सब जुऐ हारे। काम मदन विकारी दृष्टि, क्रोध गुस्सा चित दी तीखण बिरती, माया कपट मद हंकार ते मत्सर ईरखा आदि सारे औगुणा नूं गुरमुख जना ने शुभ गुणा जा नाम सिमरन रूपी जुआ खेडदियां भाव नाम दा अभ्यास करदियां हरा दिता है। सत संतोख दया धर्म सच, यह अपने गृह भीतर वारे। सत प्रदगी होना धीरज संतोख सबर, दया करना रहम धर्म निजम फर्ज ते सच बोलना, इन्हां शुभ गुणा नूं गुरमुख जना ने अपने हिरदे रूपी गृह घर दे विच वारे वाड़ना भाव धारण किया है। जन्म मरण चूके सब भारे, जन्म मरण दे दुखां रूपी सारे भारे बोझे चूके भाव चुके गए निविरत हो गए। लोक दंड पितर दंड राज दंड देव दंड आदि सारे भार चुके गए हैं। मिलत संग भयो मन निर्मल, गुरपूरै लै खिन मह तारे। रहाओ सतसंगत दे नाल मिलना करके हिरदा निर्मल उज्जल हो गया है। पूरन सतगुरां ने साडे मन की बिरती नूं लै के अपने चरणां की प्रीति नाल जोड़ के खिन एक छिन विच ही संसार समुंदर तो तार दिता है। रहाओ विश्राम दे के सतगुरु कृपा कर रहे हैं। सब की रेन होए रह मनुआ, सगले दी सह मीत प्यारे। जेकर यह मन सारिया के चरणों की रेन धूड़ हो के रहे तो सारे जीव मीत मित्र प्यारे ही दिसदे आ। सब मदे रविया मेरा ठाकुर, दान देत सब जी समारे। सारिया जीवां दे मदे हुंदा विच साडा ठाकुर स्वामी रविया व्यापक हो रहा है अते सारिया जीवां नूं रोजी स्वासां दा दान दिंदा है, फिर पालना करन रूप समारे संभालना करदा है।
एको एक आप एक एक है सगला पा सारे। एक परमेश्वर आप ही सतयुग विच सी, एको परमेश्वर त्रेते विच सी, एको ही द्वापर विच सी अते एक ही परमेश्वर कलयुग विच है। एक अद्वैत स्वरूप दा ही सगला की ये सारा पा सारे पसारा है। एको एक परमेश्वर भूतकाल विच सी, एको एक परमेश्वर हुण वर्तमान समय विच व्यापक है अते एको एक अगे नूं भी सारे पसारे विच व्यापक होवेगा। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम त्याए बहुत उधारे। जपन योग परमेश्वर दे नाम नूं जिन्हां ने जपया है वह सारे श्रेष्ठ जन पुरश संत महापुरख होए आ। एक नाम नूं त्योणा करके बेअंत प्राणियां दा उधारे हुंदा उधार होया है। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। हे गहर निरहल गंभीर डूंगे बेअंत अंत तों रहत परमेश्वर। गहर गंभीर डूंगे तों डूंगे बेअंत अनंत गुणा वाले। पृथ्वी दे मालक वाहिगुरु तुहाडे पारा वारे, आर पार दा लोक परलोक करके कुछ भी अंत अखीर नहीं पाया जांदा। तुमरी कृपा ते गुण गावै नानक, त्याय त्याय प्रभ कौ नमस्कारे। सतगुरु साहिब जी कथन करदे हन कि हे महाराज, तुहाड़ी कृपा दया दृष्टि तो ही तुहाड़े गुण गाउंदे हां अते त्याए त्याउण योग प्रभु परमेश्वर नू मन बाणी शरीर करके त्याए त्याउंदे होए सत्कार सहत नमस्कारे वंदना करदे हां। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत अगोचर, एहो सब तेरा आकार। हे परमेश्वर तू बेअंत अनंत गुणा दा मालक, अवगत जानन तो रहत ज्ञान स्वरूप, अगोचर इंद्रियां दे अविशे है। ये सारा जगत तेरा ही स्वरूप है। आकार आ विष्णु दा का करता, ब्रह्मा रो रुद्र शिवजी आदि सब तेरे ही बनाए हुए है। क्या हम जंत करह चतुराई, जां सब किश तुझै मझार। हे महाराज असी तुष जंत जीव क्या की चतुराई सियाणप कर सकते हैं, जदकि सारा कुछ तुसी ही तुहाडे हुक्म मझार विच ही आ। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला धार। हे मेरे साडे सतगुरु सच्चे गुरु संसार रूपी लीला खेड नूं धारन वाले, सानू अपने बालक बच्चे जान के रखना करो। जो लीला कौतक करन वाली तेरी माया है, असी उसनूं धारिया होया। तुसीं कृपा करके अपने अनजाण बच्चे जान के साडी रखिया करो। देहो सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकुर अगम अपार रहाओ। हे मेरे साडे अगम गमता तो रहत अपार पारावार तो रहत ठाकुर स्वामी परमेश्वर, मैनू समत श्रेष्ठ बुद्धि देना करो, जिस करके मैं हमेशा तेरे गुणा नूं गाउंदा रहां। रहाओ विश्राम दे के कृपा करदे हन। जैसे जनन जठर मह प्राणी, जैसे जनन जठर मह प्राणी, ओह रहता नाम आधार। हे भाई जैसे जिस प्रकार जनन माता दे जठर पेट विच जो प्राणाधारी जीव है, वह उत्थे जठरा अग्नि विच नाम दे आधार आसरे ही यह बचिया रहा सी ते रहिंदा है। आनंद करै सास सास समारै, ना पोहै अगनार। उत्थे जीव हर दम स्वास स्वास परमेश्वर नूं याद करदा होया आनंद प्राप्त करदा है। इस नूं माता दी गर्भ दी अगनार दा जठरा अगन पौंदी नहीं है। अगनार अग अग्नि अते नार पानी नहीं पौंदा। हे महाराज तेरा सास सास सिमरन करन नाल माया रूपी अग्नि ते पदार्थां रूपी जल पोह नहीं सकदा। इउं साडी रखिया करो। पर धन पर दारा पर निंदा, इन स्यो प्रीत निवार। हे भाई जो पराया धन पराई दारा इस्त्री अते पराई निंदा अपजस करनी है, इन्हां नालों प्रीति निवार दूर कर देनी कर। चरण कमल सेवी रिद अंतर, गुरपूरे कै आधार। पूरन सतगुरु साहिब जी दे आधार आसरे होके महाराज जी दे चरण जो कमल वत निरलेप हन, उन्हां नूं हिरदे दे अंदर
सेवी कहिए सेवना करो। गृह मंदिर महला जो दिसह ना कोई संगार। यह गृह घर अंदर मकान महला निवास स्थान महला स्त्री आदि जेड़ा कुछ भी पदार्थ दिखाई दे रहा है अंत वेले इन्हां विच्चों कोई भी संगार कहिए संगी नहीं होवेगा। जब लग जीवै कली काल मह जन नानक नाम समार। सतगुरु साहिब जी कथन करते हैं कि हे जन पुरशो जदों तक कली कलयुग दे काल समय विच जीव जीवना करता है उन्ना चिर तक परमेश्वर दे नाम नू समार याद करना कर। आसा घर तीजा महला पंजवा। श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दे पास कोई राजा आया जो अपने राज भाग का बहुत माण हंकार करता सी। उस प्रति सतगुरु जी आसा राग दे तीजे घर सुरताल विच पावन उपदेश बख्शिश करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक जो अदुति ब्रह्म है ओंकार सारियां दा प्रकाशक जो सतगुरां दी प्रसाद किरपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। राज मिलक जोबन गृह सोभा रूपवंत जो आनी। हे राजन जो तू समझदा है कि मैं रजवाड़ियां दा मालक राजा हाँ अते मेरे पास मिलक जगीरां जोबन जवानी अवस्था घर लोकां विच सोभा वडियाई है अते मैं रूपवंत सुंदर स्वरूप वाला यह इत्यादिक समग्री रूपवंत सुंदर स्वरूप वाली ते जवानी जवानी वाली इस्त्री है। जो आनी जो जेड़ी रूपवान इस्त्री तू आनी कहिए लियांदी है। बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बै आनी। लाल लाख बै आनी बहुत बेअंत दर्ब धन हस्ती हाथी अर घोड़े घोड़े तेरे कोल आ अते तू लखां रुपइयां दे नाल भी बै मुल खरीद के आनी लियाउणा कीते आ। आगै दरगह काम न आवै छोड़ चलै अभिमानी। पर अगे दरगाह विच परलोक विच तेरे सब पदार्थ किसी भी काम नहीं आने। हे अभिमानी हंकारी राजन ये सब कुछ इत्थे ही छड़ के खाली हाथी चलिया जावेगा। वड्डे वड्डे अभिमानी हंकारी सब कुछ इत्थे ही छड़ के चले गए हन। काहे एक बिना चित लाइए। इस करके एक परमेश्वर तो बगैर क्यों इन्हां होरना पदार्थां विच चित मन नू लाउणा करिए। सगों उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई रहाओ। उठद्या बैठद्या सौण लग्या जागद्या संसार तो उपराम हुंद्या समाधि विच स्थित हुंद्या निर्विकल्प समाधि विच सौंद्या अते ज्ञान अवस्था विच जागद्या हमेशा हमेशा परमेश्वर दे नाम नू ध्याउणा करिए रहाओ। विश्राम दे के सतगुरु कृपा करदे हन। महा बचित्र सुंदर आखाड़े रण मह जिते पवाड़े। जो पुरख महा बहुत बचित्र अनोखे सोहने आखाड़े पहलवाना दी कुश्तियां दे थां मल युद्ध दी भूमि नू देखदा अते रण जंग दे मैदान विच पवाड़े झगड़िया जां युद्ध नू जितना करदा। हौ मारो हौ बंधो छोड़ो मुख ते एव बबाड़े। हंकार विच अपने मूँह ते एव इस प्रकार बबाड़े बकदा है कि मैं सारा सब नू मार सकदा हाँ मैं जिसनू मर्जी बन सकदा हाँ जिसनू मर्जी छड़ सकदा हाँ। आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हाँ जदों पार ब्रह्म परमेश्वर दा हुक्म फुरमान आया तद एक दिहाड़े दिन विच ही ये सारा कुछ छड़ के चलिया जांदा है। कर्म धर्म जुगत बहु करता करणै हार न जानै। अनेक तरह दे कर्म धर्म जग पुन आदिक ते जुगतियां करता गई करदा है पर करणै हार रचनार परमेश्वर नूं जानदा ही नहीं है। उपदेश करै आप न कमावै तत् शब्द न पछानै। दुनिया ताई ज्ञानी बन के उपदेश बख्शदा है देना करदा परंतु आप परमेश्वर दे नाम ताई कमाई नहीं करदा। तत् सार रूप शब्द ब्रह्म नू पछानना करदा है सो तत् रूप सार रूप शब्द ब्रह्म नू पछानना करदा है।
नांगा आया नांगो जासी ज्यो हस्ती खाक शानै। हे राजन, संसार विच जीव नंगा ही आया है, अंत नू नंगा ही परलोक नू जासी जावेगा। इस दे कीते हुए सारे कर्म धर्म इउं सफल हन जिवें हस्ती हाथी नहा के बाद विच अपनी सुंड नाल अपने सिर उपर मिट्टी खेह चुक के चुन के पा लैंदा। इउं इह जीव हाथी दे नहाउण दी न्याई चंगे कर्म तां करदे हन परंतु मगरों हंकार करके सिर उत्ते सुआह पा लैंदे आ। संत सजन सुनो सब मीता झूठा एहो पसारा। हे संत, शांत स्वरूप सरवण मनन करन वाले भले पुरशो अते सत संतोख आदि गुणा नू धारण करन वाले मित्रो, तुसी सारा कुछ सुनना करो। ये जगत दा पसारा फैला विस्तार सारा झूठा मिथ्या है। मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। जेड़े मेरी जर मेरी जमीन कर करके संसार समुंदर विच डुबे हुए आ, ओह गवारा बेसमझ मूर्ख जीव पदार्थां विच खचत खचत हो के मर गए हन। गुर मिल नानक नाम त्याया साच नाम निस्तारा। सतगुरु साहिब जी कथन करदे हन कि हे भाई, इस लई गुरां नाल मिल करके परमेशर दे नाम नू ध्यौणा करो, क्योंकि सच्चे परमेशर दे नाम करके ही जगत तो निस्तारा कहिए तरना हुंदा है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।